नमस्कार। झारखंड क्लास 8 बोर्ड 2022 टर्म 1 के मैथ्स के सॉल्व पेपर का यह पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 वीडियो में हमने प्रश्न संख्या 1 से लेकर प्रश्न संख्या 25 तक के प्रश्नों का हल प्रस्तुत किया था। पार्ट 2 वीडियो में प्रस्तुत है प्रश्न संख्या 26 से लेकर प्रश्न संख्या 50 तक के प्रश्नों का हल। तो प्रश्न संख्या 26 है, निम्नांकित में से किस संख्या के वर्ग का इकाई अंक 1 होगा? तो यहां पर स्पष्ट रूप से ये प्रश्न ऑप्शन 3 सही है। ये हम कैसे निकालते हैं इकाई अंक? तो देखेंगे कि यहाँ पर 0 है, 10 में ये इकाई में 0 है, तो 0 का वर्ग करेंगे तो 0 ही होगा। ये 3 का वर्ग करेंगे तो 3 तिहाई 9। ये 4 का वर्ग करते हैं तो 4 चौके 16, यानी इकाई में 6 होता है। अब ये 1 है, यहाँ इकाई में 1 है 11 की इकाई में, तो इसका जब हम वर्ग करेंगे तो 1 ही आएगा। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन 3 सही है। प्रश्न संख्या 27, 5 × x + 4 = 9 × 4x - 5 को हल करने पर x का मान होगा। आइए इसे हल करते हैं। 5 × x + 4 = 9 4x - 5, या 5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5x + 20, और यहाँ हो जाएगा 36x - 45। अब ये जो चर है x, इसको हम बाईं ओर रखते हैं तो ये 5x - 36x, और यहाँ -45 - 20, या ये -31x = -65। तो ये हमारा हो जाएगा x = -65/-31 = 65/31। तो ये देख रहे हैं हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 28, 4a - 6/2। तो ये 2 से जब हम भाग दे रहे हैं तो ये इस तरह से हो जाएगा 4a - 6/2। तो 2 से भाग देंगे यहाँ तो ये इस तरह से होता है 4a / 2 - 6/2। तो ये हो गया 3 होगा। क्योंकि 2 से ये 4 काटेंगे तो ये 2 हो जाएगा। तो 2a - 3, ये पहला वाला ऑप्शन हुआ। क्वेश्चन नंबर 29, a = -1, b = 2 है तो a^b + b^a का मान क्या होगा? आइए मान बैठा के हम देखते हैं। a^b + b^a, तो a का मान है -1 और b है 2, प्लस यहाँ b है 2 और इसका पावर हो गया -1। तो ये = हो गया, -1 का स्क्वायर करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, और 2^-1 ये हो जाएगा 1/2। तो 1 + 1/2 ये हो जाएगा हमारा 1 and 1/2, 1 पूर्णांक 1/2। ये चौथा नंबर हमारा ऑप्शन सही है। प्रश्न संख्या 30, 15x² y का अभाज्य गुणनखंड। तो इसे गुणनखंड करते हैं तो 15 को करेंगे तो ये 5 × 3 होगा 15, और x² का x × x, और ये y। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 31, 13^0
का संख्यात्मक मान क्या होगा? तो हम जानते हैं कि किसी भी संख्या का पावर या घात या घातांक जो कहें, अगर शून्य होता है तो उसका मान हमेशा एक होता है। क्वेश्चन नंबर 32, 4x प्लस 5 बीजीय व्यंजक है, एकपदी है, द्विपदी है, त्रिपदी है या इनमें से कोई नहीं। तो यहां इस बीजीय व्यंजक में हम पदों की संख्या गिनते हैं, ये है एक और ये एक यानी दो, तो ये हो गया द्विपदी। क्वेश्चन नंबर 33, 8/27 का घनमूल होगा, तो ये घनमूल हम कैसे निकालते हैं? ये इस तरह से होगा 8/27, ये घनमूल, इसका घनमूल निकालना है। तो ये अंश का भी हम घनमूल करेंगे और हर का भी, तो ये इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं फिर से, ये 8 का घनमूल और ये 27 का घनमूल। तो हम जानते हैं 8 का घनमूल 2 होता है और 27 का 3, तो इस तरह से हमारा आंसर आ गया 2/3, तो ये ऑप्शन नंबर 1 सही है। 34, 3x-12 का गुणनखंड, आइए निकालते हैं इसे गुणनखंड 3x-12। तो अब इसमें से हम देखते हैं कि दोनों ओर क्या कॉमन निकल सकता है, तो यहां पर स्पष्ट रूप से 3 निकल रहा है, तो यहां बच गया x और यहां बच गया 4, यानी 3 × x-4, ये ऑप्शन 1 सही है। क्वेश्चन नंबर 35, x²-1 में से 1 − x² घटाने पर प्राप्त होगा, तो आइए घटा के देखते हैं। x²-1 इसमें से हमको घटाना है 1 − x², तो ये हो जाएगा x²-1 − 1, चूंकि ब्रैकेट से पहले माइनस था तो ये माइनस बदल के हो जाएगा प्लस, तो ये हो गया +x². तो ये जो पॉजिटिव है इसको हम एक जगह लिखते हैं, तो ये हो गया x² + x² और −1 − 1। ये सुविधा के लिए हम लोग जब भी इस तरह का करते हैं तो पॉजिटिव को पहले लिखते हैं और निगेटिव को बाद में। तो ये x² + x² हो गया 2x² और −1 और −1 − 2, ये ऑप्शन 3 हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 36, a² − 2ab + b² का गुणनखंड होगा, तो ये तो सर्व समीका से भी हम जानते हैं कि इसके बराबर होता है a − b² होल स्क्वायर, लेकिन इसका गुणनखंड भी निकाल कर दिखा देते हैं कैसे निकलता है। x²-2ab + b², तो ये इक्वल टू हो गया x² माइनस 2ab को हम लिखते हैं −ab और फिर −ab + b² और फिर ये पहला दो को हम ब्रैकेट में रखते हैं ये इस तरह से और फिर यहाँ दूसरा को ab − b², चूंकि ये पहले माइनस है ब्रैकेट के पहले तो यहाँ का चेंज हो गया, तो अब यहाँ देख रहे हैं कॉमन क्या है a, तो a − b और यहाँ कॉमन है b, तो a − b, तो ये आ गया है हमारा a − b। देखिए इसमें इधर और इधर इन दोनों पार्ट में हमारा कॉमन है a − b, तो बच गया a − b, तो ये हमारा गुणनखंड आ गया, ये ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 37, इनमें से कौन पूर्ण घन संख्या नहीं है, तो हम जानते हैं कि ये 1000 भी पूर्ण घन संख्या है, 125 भी है और 27 भी है, ये बच रहा है हमारा 63 जो पूर्ण घन संख्या नहीं है। अब 38 क्वेश्चन नंबर, 2 − a (x+3) और 3x का योगफल, तो आइए इसको जोड़ते हैं, 2 − a (x+3) + 3x इज इक्वल टू 2 − a (x+3) + 3x। तो हम पहले पॉजिटिव को लिखते हैं, तो ये प्लस एक्स और प्लस 3x, ये कितना हो गया 4x और ये माइनस ए
और ये प्लस थ्री और प्लस टू ये मिलके हो जाएगा प्लस फाइव। तो अब यहां पर हम देख रहे हैं ये वाला क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर फोर। तो यहां थोड़ा सा ये देख रहे हैं इसका क्रम और इसका क्रम में अंतर है, तो इसको हम क्रम बदल के लिख सकते हैं। इसी को हम 5 - a + 4x ये लिख सकते हैं, क्रम बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए ऑप्शन नंबर फोर हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 39, -3m को -m² + 2n से गुना करने पर प्राप्त होगा। तो आइए गुना करके देखते हैं। -3m - m² + 2n, तो ये माइनस और माइनस तो प्लस हो गया, 3m * m² तो m³ हो गया, और ये माइनस और प्लस माइनस 3 × 6 m n, तो ये कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 40, 1 - y, y + 5 और 4x का योगफल। तो आइए फिर इसको जोड़ते हैं पहले की तरह। 1 - y + y + 5 + 4x, तो 1 - y + y + 5 + 4x, तो यहां देख रहे हैं माइनस वाई और प्लस वाई ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहां बच गया हमारा 4x और 1 और +5 + 6, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही है। क्वेश्चन नंबर 41, 2 to the power 0 + 3 to the power 0, तो हम जानते हैं कि किसी भी संख्या का अगर पावर 0 हो तो उसका मान 1 होता है। तो ये 2 to the power 0 + 3 to the power 0 इसका 2 हो गया, इसका 2 to the power 0 का 1 हो गया और प्लस इसका भी 1, तो ये 1 + 1 2 हो गया, तो ऑप्शन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 42, 108 को किस सबसे छोटी संख्या से गुना करें कि वह पूर्ण घन संख्या बन जाए? तो इसके लिए हम 108 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो आइए करके देखते हैं। 108 दो से भाग देंगे, तो 2 × 5 = 10, 2 × 4 = 8, फिर 2 से 2 × 2 = 4, 1 बज गया 14, 2 × 7 = 14, अब 3 से 3 × 9 = 27, और फिर 3 से देंगे तो 3 × 3 = 9। तो इस तरह से 108 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा वो है 3 × 3 × 3 × 2 × 2। तो हम जानते हैं कि पूर्ण घन संख्या होने के लिए ये जब हम तीन तीन के समूह यानी त्रिक बनाएंगे, ट्रिपलेट बनाएंगे, तो ये सारा ट्रिपलेट होना चाहिए। तो ये एक ट्रिपलेट तो बन रहा है लेकिन ये 2 का ट्रिपलेट नहीं बन रहा है। अगर इसको हम 2 से गुना कर दें तो ये भी ट्रिपलेट बन जाएगा, तब ये पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। तो इस तरह से सबसे छोटी संख्या हमारी कौन सी है जिससे हमको गुना करना होगा? ये 2 से। क्वेश्चन नंबर 43, ये 3xy + 2x + 3 एवं x + 3xy + 2 का अंतर होगा। तो आइए अंतर निकाल के देखते हैं हम लोग क्या आता है। तो ये 3xy + 2x + 3 -x + 3xy + 2 -x + 3xy + 2x + 3 - x - 3xy - 2, क्योंकि पहले माइनस है ब्रैकेट से पहले, तो ये अंदर का सारा चिन्ह बदल जाएगा, प्लस माइनस हो गया, ये प्लस भी माइनस हो गया। तो यहां देख रहे हैं 3xy प्लस है और यह 3xy माइनस है, तो ये कैंसिल हो गया। ये 2x - x तो x हो गया, +3 - 2 तो +1 हो जाएगा, तो
एक्स प्लस वन, तो हमारा आंसर ऑप्शन वन है। ये क्वेश्चन नंबर 44, 92² - 80² का सही मान है। तो ये हमारा a² - b² के फॉर्मूला पर है। तो ये हो जाता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पर ये 92² - 8² ये इस फॉर्मूला पर, इस आइडेंटिटी या सर्वसमिका पर चलेगा। तो ये हो जाएगा 92 + 8 इंटू 92 - 8। तो 92 + 8 हो गया 100, और गुना ये हो जाएगा 84। तो ये हो जाएगा 8400, यानी 8400 क्वेश्चन, ये ऑप्शन नंबर 4। अब ऑप्शन क्वेश्चंस नंबर 45, यदि एल इज्कल टू 2 और एम इज्कल टू 3, तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर का मान होगा। तो आइए मान बैठाते हैं। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इज्कल टू, एल का मान 2 है और ये स्क्वायर है, और एल का मान 3 है और ये स्क्वायर है। तो ये हो गया 2 दुनी 4, और ये 3 तिहाई 9 इज़ टू 13। तो ये ऑप्शन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 46, p² - 10p + 25 का गुणनखंड। तो आइए इसका गुणनखंड निकालते हैं। तो p² - 10p + 25, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, p² - 5p - 5p + 25 इसकल टू, ये p² - 5p, ये ब्रैकेट में रखे, फिर इधर -5p - 25। क्यों? क्योंकि ये पहले माइनस है तो ये प्लस बदल गया, माइनस में बदल गया। यहाँ p² - 5 में कॉमन हम लेते हैं p, तो ये बच गया p - 5, और यहाँ कॉमन लेते हैं 5, तो ये हो गया p - 5, क्योंकि 5 5 25। अब इस पार्ट और इस पार्ट में देखिए कॉमन क्या है, p - 5, और इधर हो जाता है p - 5 बच गया। लेकिन हम देख रहे हैं कि ये जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से ये वाला जो हमारा आंसर आया है किसी भी ऑप्शन में नहीं है, अतः इसके सारे ऑप्शन गलत हैं। वैसी स्थिति में आपको 1 अंक का लाभ मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 47, ab² + a² b + ab का सार गुणनखंड, यानी जो सभी में है। तो ये ab है जो सभी में है। क्वेश्चन नंबर 48, x - 5 * x - 5 के लिए कौन विकल्प सही है? तो ये 2 बार गुना हो रहा है यानी स्क्वायर है, तो इसका मतलब x - 5 का स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 49, 3x + 2x + 3 एवं 4x - 3x + 4 का योगफल। तो आइए जोड़ के देखते हैं। 3x + 2x + 3 + 4x - 3x + 4, इसको जोड़ते हैं, तो 3x + 2x + 3 + 4x - 3x + 4। तो ये 3x+ जो था और ये -3x कैंसिल हो गया, तो बच गया हमारा क्या, ये 4x और 2x 6x, और 3 और प्लस 4 7। ये हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही है। क्वेश्चन नंबर 50, एक संख्या को 5 से गुना कर 3 घटाने पर 17 प्राप्त होता है, इसे एक समीकरण द्वारा दर्शाएं, अगर वह संख्या x है। तो जैसे जैसे इसमें कहा जा रहा है वैसे करते हैं। संख्या को 5 से गुना, चलिए 5 से गुना करते हैं, तो ये 5x हो गया, हमारा संख्या x था। 3 घटाने पर 3 घटा दिए, कितना
कितना प्राप्त होता है 17 बराबर 17 हमारा समीकरण तैयार हो गया। ये ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही है। अभी हमने पार्ट 2 में प्रश्न संख्या 26 से लेकर 50 तक प्रश्न संख्या 50 तक को हल किया और पार्ट 1 में हमने प्रश्न संख्या 1 से लेकर 25 तक को हल किया है। हमें आशा है कि इन हलों से आपको आगे की परीक्षा में सहायता मिलेगी। धन्यवाद।